एक एक जानी हम भागत नहीं है, एक एक जानी पूछा आराम से। राजभर ने कल 5 सवाल किए थे अखिलेश जी के सामने और कहे कि 5 सवाल, जैसे स्वास्थ्य हुआ, पुरानी पेंशन हुई, बिजली का बिल, घरेलू का माफ हुआ, चौकीदार का हुआ, शिक्षा का हुआ, इन्होंने 5 वादे किए। लेकिन जब अखिलेश जी मंच पर चढ़े और भाषण दिए तो उनके एक भी शब्दों, जो भी घोषणा किए उनका उसमें हामी नहीं भरे, समर्थन नहीं किया, तो इसे क्या लगता है? देखिए ये नापाक गठबंधन, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, और अभी भी ये चुनाव तक साथ चले जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। आज की मेरी बात नोट रखिएगा, अभी भी ये चुनाव तक साथ जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये पता नहीं कल परसों नरसों पता नहीं कब अखिलेश यादव फिर तीसरी बात करने लगेंगे या ये फिर चौथी बात करने लगे, कब इनका गठबंधन टूट जाएगा, अलग अलग रास्ते पर चलने लगेंगे, ये भी आप देखते रहिएगा। अभी तो चुनाव बहुत दूर है, तब तक ये पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस डाल पर बैठेंगे, ये कोई निश्चित नहीं है। आज भी मैं गठबंधन अभी चुनाव पहले होने से पहले टूट जाएगा इस बात को लेकर के जो इन लोगों में हामी नहीं और सहमत नहीं बनी है। देखिए गठबंधन हो चाहे टूट जाए उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, गठबंधन बनावे चाहे न बनावे। लेकिन ये तय हो चुका है कि जनता को एकदम से ना समझ समझने वाले लोग, जनता को ठगने वाले लोग का हश्र बहुत बुरा 2022 के चुनाव में होने जा रहा है। बिजली पानी फ्री का जो ऑफर कर दिया है, क्या उसको आपको नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। आज दिल्ली की जनता से जाकर पूछिए, वहां की भी सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने भी फ्री बिजली पानी और क्या क्या घोषणा लोग करते हैं, जो ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से जो नारे दिए जाते हैं, जनता को गुमराह करने के लिए जो वादे किए जाते हैं, उन वादों से जनता ऊब चुकी है, इसलिए कि जनता सच्चाई बहुत अच्छी तरीके से जानती है।